सो गाइस, ये वीडियो है अपने नेक्स्ट टॉपअप इवेंट के बारे में। और ये जो अपना नेक्स्ट टॉपअप इवेंट वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरी एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सो मिलते हैं अपने वीडियो में छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकती हो अपना नेक्स्ट टॉपअप इवेंट क्या है भाई, लेस इज मोर। सो गाइस, ये जो अपने इवेंट है वो चलने वाला है 9 तारीख से लेके 14 तारीख तक। सो अब इस इवेंट की बात कर लेते हैं, इवेंट का फंडा क्या है। अगर देखिए, आप जैसे स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, अगर आपके पास 0 से लेके 49 डायमंड के बीच में डायमंड्स है तो आप 160 रुपीज़ में इसको परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास 50 से लेके 149 डायमंड के बीच में डायमंड्स है तब इसको 250 में परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास 150 से लेकर 299 डायमंड के बीच में डायमंड है तब उसको 300 में परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास 299 प्लस है तो आप इसको 400 में परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर जिनके पास ज़्यादा डायमंड है वो क्या करे भाई। अगर देखिए, अगर आपके पास जैसे मान के चलिए 299 प्लस डायमंड्स है तो आप इसको किसी चीज़ में अगर आप इसको वेस्ट कर देते हैं और आप इसको 49 के नीचे ले आते हैं अब, तो आप इसको 160 में परचेस कर सकते हैं। सो मेरी सलाह यही है कि अगर आपके पास मतलब 299 प्लस डायमंड्स हैं तो कोई इवेंट आएगा तो उसमें आप स्पेंड कर दीजिए। फिर उसके बाद ये वाले जो इवेंट है ना, जो आएगा ये जो टॉपअप, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब बंदों की ये होगी प्रॉब्लम कि अब ये जो आएगा है ना, जो अभी अपना टॉपअप इवेंट आएगा तो ये एकदम कंफर्म है कि नहीं। सो गाइस, आप मैं आपको 2 पिक्चर दिखा चुका हूँ, ये एकदम ही कंफर्म है, यही अपना नेक्स्ट टॉपअप इवेंट है और यही होगा। आप 160 में 520 डायमंड ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको वहीं आंसर दे दूँगा, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर दे दूँगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।